हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं जेई मेंस और एडवांस या नीट के लिए या बिटसैट कह लीजिए, इन सबों के लिए एक छोटा सा जो क्वेश्चन है, छोटा सा डेरिवेशन आप कह सकते हो, एक कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना है। आज ये हम लोग करने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा सामने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट टिल्टेड एक्सिस। नॉर्मल एक्सिस के बारे में तो सबको मालूम है, सबको अच्छे से डेरिवेशन भी मालूम है, लेकिन जब बात होती है टिल्टेड एक्सिस की तो इसके अंदर की बात हम जानने वाले हैं कि डिराइव कैसे किया जाता है और ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये आपको अगर रिंग के लिए अगर आप सीख गए तो डिस्क के लिए भी अप्लाई कर पाओगे और अल्टीमेटली आप कोन के लिए भी अप्लाई कर पाओगे। कोन या हॉलो हो या सॉलिड हो, जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो यू कैन डील विद देम, खासकर जेई मेंस एडवांस में। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसमें करना क्या है हमारे को। हमारे पास एक डिस्क है, सॉरी रिंग है, दिस इज अ रिंग और ये एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस एंड दिस एक्सिस मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्लेन ऑफ द रिंग। प्लेन ऑफ द रिंग है, ठीक है, ये प्लेन ऑफ द रिंग है और ये बना रहा है एक्सिस जो है वो एंगल थीटा बना रहा है विद द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है बच्चों, और इसकी रेडियस है आर। ये पॉइंट है आपको गिवन है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, टोटल मास है इसकी एम। तो फाइंड कैसे करेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ये रिंग है, ये रिंग इस प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ है। तो इसको आप मान लो एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और इसे आप ले लो जेड एक्सिस। ये रिंग ऐसा प्लेन है, ऐसा ऐसा रिंग है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, तो वाई एक्सिस इधर होगा अंदर की तरफ। तो वाई एक्सिस को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है ना, बढ़िया। और दिस इज द एक्सिस अबाउट विच वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एज्यूम अ पॉइंट पी हियर, आप एक पॉइंट पी ले लो, एक्स कॉमा वाई ले लो ऐसे, जो छोटी सी मास डीएम को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट पी, और ये रिंग के बाउंड्री पे है पॉइंट पी, ठीक है ना, रिंग के बाउंड्री पे है पॉइंट पी। तो दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, तो ये एक्स है, ये वाई है और जेड बिल्कुल ऐसा है। कैन यू इमेजिन दैट, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर को बढ़ा लो तो मजा आ जाएगा। और ये एक्सिस है जिसके अबाउट में हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी किसी एक्सिस के अबाउट में निकालते हैं तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक मास लेते हैं हम लोग, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक मास लेते हैं। तो ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी है, इसको हम लोग आर वेक्टर भी लिख सकते हैं ना, आर वेक्टर का फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में है, पॉइंट पी लाइज इन एक्स वाई प्लेन, और ये जो एक्सिस है वो एक्स जेड प्लेन में है। ये जो एक्सिस है ये थीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस, 90 माइनस थीटा भी जेड एक्सिस, ठीक है ना, ओके। तो आप क्या करो, यहां पर एक यूनिट वेक्टर ले लो जिसके अलॉन्ग, जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड करनी है इसको हम लोग यूनिट वेक्टर एक ले लिया, ठीक है ना। तो x एक्सिस के लिए हम बात करेंगे तो d कैप कैसे लिखेंगे, हम लोग d कैप लिख सकते हैं ना, cos थीटा, d कैप तो cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा, cos थीटा हो जाएगा i कैप, cos थीटा i कैप एंड sin थीटा k कैप, ठीक है। इस यूनिट वेक्टर के दो कंपोनेंट cos थीटा और ये z की तरफ sin थीटा, तो ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया। अब होता क्या है कि हमारे को परपेंडिकुलर वाली चीजें लेनी है, यहां से परपेंडिकुलर वाली चीजें लेनी है ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर वाली चीजें लेनी है एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही तो मास को हम लोग एज्यूम करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज योर, तो इसको डायग्राम अलग से भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे ऐसे, दिस इज पी एंड दिस इज सम परपेंडिकुलर दिस वन, इसको आप नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दो आप सी, ठीक है ना, ये ठीक है, ये बन गया हमारा ओ सी पी सी। देखो हमारे को ना पी सी स्क्वायर अगर लिखना होगा डिस्टेंस, पी सी डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो पी सी स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ ओ पी स्क्वायर माइनस, ओ पी स्क्वायर माइनस ऑफ ओ सी स्क्वायर, है ना, पी सी स्क्वायर लिखेंगे ओ पी स्क्वायर माइनस ऑफ ओ सी स्क्वायर। अब ओ पी, ओ तो सेंटर है, ओ पी क्या लिखेंगे हम लोग, ओपी क्या लिखेंगे, ओपी का स्क्वायर, तो ओ से लेके पी तक, ओ से लेके पी तक तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है ना, ओपी
यही हमारे पास है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, ओपी का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, मैग्नीट्यूड। ओसी, अगर हम ओसी की बात करें, ओसी की हम लोग बात करें तो अगर हम लोग ओपी को बेंड करते हैं ओसी की तरफ, ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओपी को इधर बेंड करना पड़ेगा, मान लो अल्फा एंगल से बेंड किया हमने, तो क्या लिख सकते हैं, ओपी कॉस अल्फा, ओपी कॉस अल्फा, क्योंकि ओपी का जो प्रोजेक्शन होगा, ओपी प्रोजेक्शन ऑन ओसी, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ओपी कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, ये छोटा सा एंगल है अल्फा, तो यहां आप लिख सकते हो ओपी कॉस अल्फा, ठीक। अब अल्फा एक नया एंगल आ गया, इसको हमें इलिमिनेट करें, इसको नहीं चाहिए, तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहां पे लिख सकते हैं ओपी वैक्टर डॉट ओ सी वैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ ओपी, मॉड ऑफ ओ सी कॉस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ओपी, ओपी कॉस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, और ओपी कॉस अल्फा को और कैसे मैं लिख सकता हूं, मैं पूरा वैक्टर्स के टर्म में भी आपको बता दे रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं ताकि वैक्टर भी आपका समझ में आ जाए। ओपी कॉस अल्फा, देखो ओपी कॉस अल्फा का आप छोड़ दो तो ओसी को नीचे लाना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा ओपी वैक्टर डॉट ओसी वैक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ओसी वैक्टर, ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखते जाओ, बहुत ईजी चीज है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए, दैट्स इट। तो ये हम लोगों ने यहां लिख लिया। अब ओसी अपॉन ओसी वैक्टर अपॉन इट्स मॉड, ये तो मॉडुलस, इसका मतलब ये हो गया आपका, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, हो गया ओपी वेक्टर डॉट ओसी का यूनिट वेक्टर का स्क्वायर, ओसी का यूनिट वेक्टर यानी कि ये डी कैप की बात हो रही है, डी कैप, डी कैप, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ओपी, ओपी का मतलब ये ओपी ही तो है हमारा, आर वेक्टर क्या है, ओपी ही तो है, तो ओपी की जगह लिख सकते हो आप आर वेक्टर डॉट डी कैप वेक्टर का स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहां से मैं एक चीज आपको डिराइव करके बता रहा हूं, आर वेक्टर डॉट डी कैप, आर वेक्टर डॉट डी कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट आप निकालो, होपफुली आपको डॉट प्रोडक्ट आता होगा निकालने में, अज्यूम करके चल रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इनका डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे तो आपको मिलेगा एक्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, दैट मीन्स पीसी स्क्वायर, पीसी स्क्वायर आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन यहां लोगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया, बढ़िया ना, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए, पीसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्सिस से मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिल गया बच्चों, ठीक है, ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या लिखूंगा, डीएम, डीएम इंटू पीसी का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है, डीएम पीसी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन वन, ठीक है, दिस इज इक्वेशन वन, ओके फाइन। अब एक चीज बताओ, अगर हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को स्वैप कर दे, मैं चीजों को थोड़ा और आसान बनाने जा रहा हूं, अगर हम लोग एक्स और वाई को स्वैप कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो मैं दूसरा इक्वेशन भी लिख सकता हूं, एक्स और वाई को स्वैप कर दें, स्वैप कर देंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, स्वैप करने पे यही मिलेगा मुझे, ठीक है, चलो बढ़िया है, दोनों को ऐड कर दो, वन एंड टू, वन एंड टू को ऐड कर दो, ऐड वन एंड टू, तो आई और आई ये हो गया टू आई, ठीक है, डीएम हो गया, और ब्रैकेट वाली चीजों को आप ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे और क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोबारा मिल गया आपको, ठीक है ना, ये दोबारा मिल गया, यह हो गया टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, ऑफकोर्स आर स्क्वायर लिखेंगे, ये ओरिजिन का डिस्टेंस है ओपी, ये ओपी ही तो है, और ओपी क्या है, आर स्क्वायर है, तो आपको मिल गया, इसकी जगह आर स्क्वायर लिखो,
इसकी जगह भी आर स्क्वायर लिखो, दिस इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, सब कुछ लिखो बच्चों, और ध्यान से आपको समझना भी है क्योंकि थोड़ी सी इमेजिनेशन इसमें चाहिए दैट्स इट। अब तो हो गया, अब ये फिनिश हो चुका है। 2i इज इक्वल टू dm r स्क्वायर हो गया। अब यहाँ dm को तो हम लोग टोटल मास कैपिटल m लिख सकते हैं, जो टोटल इसका मास है वो लिख सकते हैं। dm को हटाओ, टोटल मास यहाँ इंटीग्रेशन को भी हटा दो, आप इंटीग्रेशन को हटा दो, टोटल मास हम लिख सकते हैं m r स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो i मुझे मिल जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट टिल्टेड एक्सिस एट एन एंगल थीटा। यही तो है बच्चों, इसको नोट करो, इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है आगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन के साथ करो। एडवांस के लिए पढ़ाऊंगा, नीट के पढ़ाऊंगा, बिटसेट के लिए भी आपको गाइडेंस दूंगा बच्चों, सब कुछ बताऊंगा, इसको नोट करो। बाय बच्चों, टेक केयर।